हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज भी जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो कुछ आपको एक पे स्लिप दिखाने जा रहा हूँ, जिसमें IBM में जब आप कंपनी लीव कर जाते हैं तो आप छोड़ने के बाद जो आपका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होता है, तो उसमें आपको किस तरह का पे स्लिप मिलता है। और जनरली देखा जाता है कि आपका लास्ट मंथ ऑफ सैलरी जो काफ़ी डिले होता है, तो क्यों डिले होता है और आपको आपका जो लीव होता है, जितना भी दिन का आपका लीव होता है, तो वो किस तरह का इन कैश होता है, क्या आपको पैसा मिलता है, कितना मिलता है, तो ये सारे की चीज़ के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो वॉच टिल द एंड, और अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए मेन टॉपिक पे जाते हैं कि अगर आप लोग का मैंने कंपनी छोड़ देते हैं, फॉर माई एग्जाम्पल अगर आप IBM छोड़ देते हैं, तो जनरली देखा जाता है कि देर हैव बीन डिले लास्ट मंथ या लास्ट कुछ दिन का आपका सैलरी जो होता है वो कुछ कंपनी रोक देती है। कभी कदार कुछ कंपनी पूरे 1-1.5 महीने के रोक देती है, या फिर लास्ट महीने। अगर मैंने जिस तरह से मैंने अपना कंपनी लास्ट छोड़ा था वो 24th या 24th मई मेरा लास्ट डे था, तो मेरा फर्स्ट पे से 24th मई का सैलरी जो था वो उन्होंने 1 जून में नहीं दे करके जुलाई के 8th या 10th में दिया था। तो 40-50 डेज़ के बाद मुझे मिली थी। तो जनरली ऐसा क्यों करती है कंपनी? ये इसलिए करती है ताकि वो लोग सब चीज़ देख सकें कि आप लोगों ने जो लैपटॉप दिया था वो क्या आप लोगों ने डैमेज करके दिया है, या कोई चीज़ आपकी कंपनी के आपके पास है या नहीं। अगर आप लोगों को जॉइनिंग बोनस मिला था, तो अगर मिला था तो क्या आपने 1 साल पूरा किया है, तो ये बाउंड उंड है कि नहीं, तो ये सारे क्राइटेरिया को चेक करने के लिए, सिंस वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में जाती है तो वो सारे चेक करने के लिए कुछ टाइम लेता है, और उसके बाद आपको उस मंथ की सैलरी मिलती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उस मंथ में मुझे क्या मिला। लोगों के कोई दो क्वेश्चन रहता है कि अच्छा मैं अगर छोड़ूंगा तो क्या मुझे खाली सैलरी मिलेगी कि ऑन टॉप ऑफ डैट कुछ और भी मिलता है। सेकेंड थिंग कि अगर मैंने मान लो इंश्योरेंस लिया, मान लीजिए मैंने 30,000 का अगर इंश्योरेंस लिया, तो क्या मुझे 30,000 में से अगर मैंने 1 महीना यूज़ किया तो क्या मुझे वो पैसा कुछ रिटर्न आता है? तो हाँ, वो रिटर्न आता है। और एक बात और, क्या आप लोगों का जितना भी लीव बचा रहता है वो इन कैश करती है कंपनी। तो मैं अपना पे स्लिप्स आपको दिखा के कुछ रिलेट कराऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए कि अच्छा किस तरह का होता है, क्या होता है, नहीं होता है। तो हॉस्टल, तो जब मैंने IBM को छोड़ा तो कुछ दिन के बाद देखी कि एक पे स्लिप मुझे IBM ने दिया। ठीक है, मैंने सिक्योरिटी रीज़न के लिए बहुत सारे चीज़ों को मैंने मिटा दिया है ताकि कोई समझ ना पाए स्टिल। तो छोड़ने के बाद हम लोगों को ये चीज़ें मिलती है। देखिए, ये मेरे लास्ट मंथ की थी, तो इस पर आप देख सकते हैं मेरी बेसिक सैलरी, देन HRA, हाउस रेंट अलाउंस, फ्लैट अलाउंस, और उसके बाद आपका दो अलग चीज़ें और मिलती है, क्या? लीव अलाउंस ऑफ इंश्योरेंस। ये दो चीज़ भी वो इसमें इंक्लूड करके हमें एज अ सैलरी प्रोवाइड करती है। तो ये दो जो कंपोनेंट है, लीव ऑल इन कैश और मेडिकल इंश्योरेंस। देखिए, अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी आपको कुछ लीव के लिए लीव देती है। ठीक है, तो सिंस मेरा कुछ लीव ड्यू था तो उसके लिए मुझे लीव इन कैश, माने लीव जितना भी मेरा ड्यू था उतना वर्किंग डे के हिसाब से मेरा जो बेसिक सैलरी था उसको मल्टीप्लाई कर करके मुझे दे दिया। सपोज मेरा अगर 10 लीव था और मेरा बेसिक सैलरी पर डे का अगर मेरा 2,000 था या 1,900 था, तो उसे 10 × 1,900 कर करके ये 19,000 मुझे लीव इन कैश करके मुझे मिल गया। देन मेडिकल इंश्योरेंस, जैसा आप जानते हैं, सिंस मैं जान रहा था कि मैंने मार्च के स्टार्ट में ही पेपर डाल दिया था फरवरी के एंड में, तो मुझे पता था कि मैं मई में छोड़ दूंगा, तो इसलिए मैंने IBM का इस साल ज़्यादा का मेडिकल इंश्योरेंस के लिए इनरोल नहीं किया था। सिर्फ खुद के लिए जो डिफ़ॉल्ट होता है 1,450, उसी के लिए मैंने इनरोल किया था। तो उसमें क्या हुआ कि सिंस मैंने 1 महीने से कुछ ज़्यादा ही IBM का मैं एम्प्लॉय था, तो उसका जो पैसा जो बचा था वो भी आपका रिफ़ंड कर दिया IBM में।
तो जब भी आप कभी कंपनी छोड़ेंगे तो आपको ये दो पैसा आपको मिलेगा। पहला है जो भी आपका लीव बचेगा वो उसको मल्टीप्लाई कर देगा आपके पीएफ से, सॉरी बेसिक सैलरी से, पर डे का सैलरी। और जितना भी लीव होगा, अगर आपका 20 लीव बच गया तो 20 इंटू जो भी आपका पर डे का बेसिक सैलरी होता है उससे मल्टीप्लाई कर करके आपको वो ये लीव इन कैश करके के आपको मिल जाएगा। सेकेंडली, आपका के मेडिकल इंश्योरेंस में जितने भी दिन का बाकी रहा, सपोज आपका आपने लिया 20,000, 24,000 का अगर आपने लिया और 2 मंथ ही आप वहाँ थे तो 2 मंथ के हिसाब से 4,000 वो डिडक्ट कर करके 20,000 आपको रिटर्न कर देगा। मेरे केस में कम है क्योंकि मैंने उसी वक्त ले रहा था तो मैंने डिफ़ॉल्ट पे ही गया, मैंने अपने पेरेंट वेरेंट को इंक्लूड नहीं किया था। थर्ड थिंग, अगर आप लोगों ने कुछ ज्वाइनिंग बोनस या इस तरह का कुछ अगर लिया होता तो वो ज्वाइनिंग बोनस यहाँ से वो डिडक्ट करते, वो डिडक्शन में चला जाता। तो लास्ट मंथ में मेरा कुछ दिन का ही था तो इसलिए वो लोगों ने जस्ट पीएफ डिडक्ट किया जितने दिन में था उतने दिन के लिए। और इन लोगों ने क्या प्रोफेशनल टैक्स, राइट, पीटी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स डे, इनकम टैक्स को भी लास्ट में डिडक्ट नहीं किया। तो मुझे ये इनकम टैक्स में भरना होगा, मैं जो न्यू कंपनी में गया मुझे ये सारी डिटेल्स उसमें डालनी होगी ताकि ये टैक्स डिडक्शन हो पाए। तो ये है आपका लास्ट मंथ का सैलरी स्लिप जो आईबीएम आपको देता है। जनरली ये आपका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होने के बाद, फाइनल सेटलमेंट हो गया देन यू गेट दिस। और इसके लिए आपका सारे तरफ से, आपका अकाउंट डिपार्टमेंट से, एचआर डिपार्टमेंट से, जो जो भी आपका लीव बैलेंस है या फिर आप लोगों ने अगर ज्वाइनिंग बोनस लिया उसका बैलेंस, मेडिकल इंश्योरेंस का बैलेंस, तो ये सारा चीज़ चेक करते हैं और लास्ट पे वो लास्ट मंथ की सैलरी में एम्प्लॉय को भेज देते हैं। तो ये था सब कुछ कि अगर आपका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के बाद आपको पे स्लिप किस तरह का मिलता है। तो ये मेरी आखिरी पे स्लिप थी जिसमें मेरे कुछ दिनों का सैलरी इस पे लिखा था। आई होप ये आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शेयर करें। सो थैंक यू एंड बाय बाय।